वेल गाइस, तो फाइनली टीएनए का नो सरेंडर पेपर व्यू ओवर हो चुका है और आज यहां पर टीएनए के इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर टीएनए रेसलिंग का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन मूज आज उनका टाइटल फॉर्मर चैंपियन एलेक्स सैली के खिलाफ डिफेंड करते गए। और बात करें अगर यहां पर इन दोनों के इस मैच की, तो गाइज आज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर मूज के पास मैच में ओपनिंग पर ही पावर एडवांटेज होता है, जहां पर मूज मैच के ओपनिंग के ऊपर ही आज यहां पर एलेक्स सैली पर जबरदस्त पावर बंप लगाते गए और इसके बाद ज्यादातर टाइम पर इस मैच के अंदर मूज यहां पर इस मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर एलेक्स सैली आज यहां पर उनके हाई फ्लाइंग सुसाइड टाइप के साथ इस मैच को कंट्रोल करने की कोशिश करते गए। बट गाइज मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर मूज यहां पर आज एलेक्स सैली की काफी ज्यादा पिटाई कर देते गए और मूज के लगातार एलेक्स सैली पर अटैक करने के बाद हमें यहां पर कुशीडा रिंग के अंदर व्हाइट रोप फेरते हुए दिखाई देते गए। और गाइज कुशीडा के स्टॉपेज के वजह से आज यहां पर इस मैच को रोक दिया जाता है और मूज एलेक्स सैली को हराकर टीएनए के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए। बट गाइज यहीं इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर टीएनए का वुमन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जब जोर्डन ग्रेस उनका टाइटल गिजेल सॉ के खिलाफ डिफेंड करती गए। वेल बात करें अगर यहां पर इस मैच की, तो गाइज यहां पर आज इस मैच के अंदर भी हमें यहां पर लगभग पूरे मैच के अंदर टीएनए की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस इस मैच को डोमिनेट करते हुए दिखाई देती गए और लगभग पूरे मैच को डोमिनेट करने के बाद वो यहां पर उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीतकर आराम से उनके नॉकआउट टाइटल को रिटेन करती गए।